अगर हम इसकी रीडिंग देखें यहाँ पर शायद ही ये दिखाई दे, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि कितने वाट का है। यहाँ ब्लैक अक्षरों में लिखा हुआ है और मैं देख सकता हूँ ये है 12 वोल्ट तो मुझे दिख रहा है, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसमें देखूँ तो ओके, ये 2 वाट का बल्ब है, चलिए 5 का नहीं है, 2 वाट का है। फिर भी अगर 2 वाट का है तो 5 बल्ब के हिसाब से 10 वाट हो रहा है और हम 1 वाट से भी कम में इसका काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनको निकाल लेते हैं, इनको वापस लगा देते हैं और पहले ये देखेंगे कि किस वाले टर्मिनल से कौन सी लाइट जल रही है। तो ये हमने वापस लगा दिया है, 5 बल्ब हैं हमारे पास में और वापस इनको अपनी जगह पे ताकि कोई समस्या ना जाए। ये बल्ब यहाँ पर और बाकी तो दिख ही रहे हैं। खैर ये बल्ब यहाँ का होगा, ये बल्ब यहाँ का और ये बल्ब यहाँ का, देख सकते हैं यहाँ पर जो 3 इंडिकेटर दिए हैं वो लेफ्ट राइट और हाई बीम का दिया हुआ है और यहाँ ऊपर की तरफ जो बल्ब दिए हैं वो सीधी सी बात है ये 2 मीटरों के लिए दिए होंगे। तो पहले हम इनको चेक कर लेते हैं, ये 6 हमारे पास में सॉकेट दिया हुआ है तो अच्छा होगा कि हम इस सॉकेट को पहले निकाल लें बाहर। वैसे निकालने के बजाय हम सीधे भी चेक कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास में 12 वोल्ट की बैटरी, 12 वोल्ट की बैटरी से अब हम इसको चेक करते हैं। अगर इसमें से जो एक ब्लैक वाला वायर होगा सबसे पहले हम उसको लगाते हैं क्योंकि इसमें प्लस माइनस होता नहीं है तो हम किसी में भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम फिर यहाँ से इसकी वायरिंग को समझ लेते हैं कि ग्रीन वायर से यहाँ सब में कॉमन गया है तो यहाँ पे जो ग्रीन वायर है उसको हम ले लेते हैं सबसे पहले। तो ये रहा ग्रीन वायर, ठीक है अब देखेंगे। ठीक है बैक लाइट इंडिकेटर, ये हाई बीम काफ़ी धीमे जल रहा है हाई बीम और ये राइट इंडिकेटर। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 की जगह 1 ही बैक लाइट जल रही थी, ग्रीन वाला वायर जो है वो हमारे लिए कॉमन हो गया। तो लेकिन यहाँ पर खैर हम जो LED बनाएंगे उसका तो हम ध्यान रखेंगे कि कॉमन ही जले। तो अब एक एक करके हम इन LEDs को, इन लाइटों को चेंज करते हैं LED में। सबसे पहले जो हाई बीम है उसकी लाइट को करते हैं। तो ये बल्ब है और हाई बीम वाला जो लाइट थी वो थी, ये वाली, तो ये हाई बीम वाली लाइट। तो यहाँ पर हम LED लगाते हैं। अब कुल मिला के LED लगाने का जो तरीका है वो तो हमारा पुराना ही है, तो ऊपर जो लिंक दिया हुआ आप उसमें देख लीजिएगा किस तरीके से हम किसी एक वायर को कट करके उसमें रेजिस्टेंस लगाते हैं और फिर LED को इसमें माउंट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं। तो गाइस फाइनली हमारी जो LED है वो हम फिट कर चुके हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूँ थोड़ी, ये 2 LED जो कि बैक लाइट की थी इनको हमने इस तरीके से लगाया है। इस तरीके से हमने लगाया, लगाना बहुत आसान है, कुछ खास नहीं करना रहता है इसमें, सिर्फ आपको बल्ब निकाल के लगाना है। इसी तरीके से हमने ये 2 LED लगाई है और 3 ये LED लगाई है। भाई ये इनको एक बार जला के ऑन करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमने कॉमनली लगाया हुआ है और दूसरे को हम टच करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा जलेगा लेफ्ट राइट इंडिकेटर, थोड़ा सा और मैं दिखा देता हूँ, राइट इंडिकेटर और यहाँ से जलाएंगे तो पीछे की बैक लाइट जल रही है, पहले से ज़्यादा तेज़ है काफ़ी। यहाँ पर हाई
हाई बीम और ये लेफ्ट इंडिकेटर, और इस तरफ अगर हम आए तो ये जो रेड वाला है ये पावर इंडिकेटर, यहाँ पे जो एलईडी जलती है ये जो है ये बैक लाइट का है, और ये पावर इंडिकेटर जो कि ये रहा, ये पहले से लगा हुआ था, हमने लगाया। ओवरलोड वाला जो है वो उसको हम नहीं जला सकते, उसके लिए अलग से लाइन है। तो अब चूंकि वो ऑलरेडी एलईडी है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमने इस ये जो यो बाइक है इसके मीटर को, इसके मीटर की जो लाइट है उसको कन्वर्ट किया है एलईडी में। तो उम्मीद है छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ में यो बाइक को और इम्प्रूव करने की कोशिश में। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं ये जो यो बाइक है उसकी हेडलाइट को एलईडी में कन्वर्ट। इसको हमने वैसे तो जो लाइट है उसमें ये दो डीआरएल लगा दी हैं, लेकिन फिर भी एक इलेक्ट्रिक बाइक में फिलामेंट बल्ब लगा होना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए हम आज की इस वीडियो में लगाने वाले हैं 38 वॉट की जो इसमें एलईडी है वो, जो कि हमने अपनी ऑल्टो से निकाली थी क्योंकि उसमें दो थी तो एक खराब हो गई थी और जो दूसरी थी वो चालू थी। जो चालू वाली है उसको हम आज इसमें लगाने वाले हैं। अब चूंकि उसका भरोसा नहीं है कि वो भी कितना चले, इसलिए हम उसका यूज़ इसमें करेंगे, बाइक में या किसी और में नहीं कर पाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसका जो मास्क है उसको खोलना होगा, और मास्क को खोलने के बाद में हम रिप्लेस करेंगे ये जो फिलामेंट बल्ब है उसको एलईडी से। आप देख सकते हैं इसमें जो बल्ब लगा हुआ है वो H3 सीरीज का है, H3 मतलब इसका जो सॉकेट है वो H3 वाला है, और हमारे पास में जो एलईडी है वो है H4 की। तो हम देखेंगे किस तरीके से इसमें उसको फिट करना है। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। इसको खोलने के लिए हमें एक ये नट खोलना होगा एक, और उसके बाद में दूसरा नट ये होगा यहाँ पे। और दो नट ये वाले, सभी नट खोलने के बाद में यहां पर जो लॉक लगे होते हैं उनको हमें सावधानी से निकालना है, और उसके लिए सिंपल तरीका ये है कि इनको अंदर की तरफ हमें दबाना है। और ये जो है ये हमारा खुल गया है। अब ये पूरा खुले उसके लिए ये वाला भी एक हमें पैनल बाहर का ऊपर का निकालना होगा। इसको खोलने के लिए पहला नट तो ये हो गया, फिर उसके बाद में एक नट यहाँ भी होगा, और दूसरा लीजिएगा। तो ये जो कवर है ये कवर निकल गया, चाहे
और ये भी निकल गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये टूट चुका है, यहाँ पर ये भी टूट चुका है, तो अब हमें इसका कुछ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि इनको इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये इसका कवर है और ये बल्ब जो है इस तरीके से निकलेगा बाहर। ये बल्ब बाहर निकल गया। अब आइए उसको देखते हैं कि वो कैसे फिट हो सकता है उसमें। गाइस ये जो एलईडी है, इस एलईडी का ये जो ऊपर वाली कैप है, जिस कैप की वजह से इसको H4 माना जाता है, इसको अगर आप थोड़ा जोर से आगे की तरफ पुश करेंगे तो ये जो कैप है इसकी ये आसानी से निकल गई। और जब ये कैप आसानी से निकल जाती है तो उसमें ये जगह बन जाती है, ये देखिए। अब ये एक सिंपल बल्ब की तरह है, जो कि ये जो H3 सॉकेट होता है इसमें पीछे से लगाया जा सकता है। अगर ये सारी इसके जो सॉकेट है सब खोल दिए जाए तो, क्योंकि इसमें भी नट बोल्ट लगे हुए हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि ये चीज़ हो जाए। तो गाइस वो जो H4 सॉकेट था उसको हमने H3 बना दिया। मैं बता देता हूँ कैसे। आप देख सकते हैं कि ये जो प्लास्टिक वाला जो हाउसिंग थी ये पहले से इसमें लगी हुई थी, जिसमें H3 बल्ब लगा हुआ था। हमने बस उस बल्ब को निकाला और जैसे कि हमने बताया था कि LED का जो कैप थी हमने उसको भी निकाल दिया और थोड़ा सा इसको और कहूँ कि ग्राइंड किया अंदर से, थोड़ा सा एक आध एमएम का फ़र्क आ रहा था। और उसके बाद में ये आसानी से इसमें जहाँ पर ये पहले फिट हो रहा था वहाँ पर लग गया है, जहाँ से हमने इसका फोकस भी मिला लिया है इस तरीके से, ये भी बढ़िया आ रहा है। अब आइए इसको इसकी वायरिंग करते हैं। वायरिंग क्योंकि इसमें जो पहले जो पिनें लगी हुई थी वो H3 के हिसाब से लगी हुई थी, अब H4 के लिए हमें थोड़ी सी बड़ी पिनों की जरूरत पड़ेगी। तो आइए पहले इसको पिन लगा लेते हैं। इस वायर को हमें कट करना पड़ेगा यहाँ से और इसके लिए हमें लक्स चाहिए होंगे, तो वो हमारे पास ऑलरेडी है, तो आइए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि लाइट हमने कंप्लीट कर ली है और जहाँ स्ट्रीट लाइट भी काफ़ी तेज़ है, उसके बाद भी जो हमारी लाइट जो गाड़ी की LED लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा तेज महसूस हो रही है। और अगर हम इसको, ये अभी टिपर में चल रही है, अगर हम इसको ऑफर करते हैं टॉपर में ये और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपनी H3 लाइट को H4 लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो प्रोसीजर हमने बताया है। और इस तरीके से आप अपनी रात की विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा तेज़ कर सकते हैं। वैसे हम एक बार देखते हैं कि अंधेरे में ये लाइट कितनी तेज़ इफेक्ट देती है। वैसे यहाँ पर हल्का सा अंधेरा है, आप देख सकते हैं कि आपके अंधेरे में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ लाइट है इसकी। लाइट LED है वो कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो कितनी है। ये है सामने ब्रिज की वॉल और जैसे अगर हम इसको ऑन करें तो ये भी बिना LED के है, और जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो लाइट और तेज़ बढ़ जाती है। मतलब काफ़ी इनफ लाइट है यो बाइक के हिसाब से। तो उम्मीद है छोटा सा वीडियो जो कि हमने H3 हेडलाइट को H4 हेडलाइट में कन्वर्ट किया है और प्लस LED में कन्वर्ट किया है, आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियो।